बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूरिया के मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट की बात करने जा रहे हैं। बच्चों आपको सबसे पहले पता हो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 1.008 होता है, लेकिन हम 1 यूज़ करते हैं। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और नाइट्रोजन का बच्चों 14 होता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। बच्चों मेरे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना 14 है, प्लस हाइड्रोजन के 2 एटम हैं तो आपने लिखा और हाइड्रोजन का 1 होता है। जब एक एटम से अगले एटम में जाते हैं तो प्लस लगाते हैं। कार्बन का बच्चों हमारे पास कितना होता है, 12 होता है और ऑक्सीजन नेक्स्ट है, ऑक्सीजन का बच्चों 16 होता है, फिर नाइट्रोजन है उसका 14 है, फिर 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का 1 होता है। इन तमाम को ऐड कर लें, 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2, ये बच्चों देखें ये आपके पास 16 2 14 16 16 में 16 डाले 32 32 में 12 डाले 48 48 में 2 डाले 50 50 में आपने 14 डाली है तो 64 ग्राम पर मोल। तो ये मॉलिक्यूलर मास है बच्चों यूरिया का, ठीक है। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।